परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उसके वचन के ऊपर हम एक बार फिर से अध्ययन, मनन और चिंतन करने जा रहे हैं। और परमेश्वर के वचन से आज हम यीशु मसीह की जो वंशावलियां मत्ती रचे सुसमाचार में और लूका रचे सुसमाचार में दी हुई हैं, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और हम इस बात को समझने का, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यीशु मसीह की वंशावली में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मत्ती ने पहले ही अध्याय का आरंभ जो है वो यीशु मसीह की वंशावली के साथ किया, और जब लूका विस्तार पूर्वक यीशु मसीह के बारे में लिख रहा था तो लूका ने भी यीशु मसीह के बारे में जब बताना आरंभ किया तो यीशु के वंशावली को बताना उसने आवश्यक जाना। क्यों वंशावली को बताना इतना आवश्यक था, इन सब बातों को आज हम जानने और हम समझने जा रहे हैं। तो यीशु मसीह की दो वंशावलियां जो हैं वो नए नियम के अंदर दी हुई हैं, और दो वंशावलियां जो दी हुई हैं वो क्यों दी हुई हैं, क्योंकि बाइबल के जमाने में जो यहूदी जगत था उसके अंदर दो प्रकार की वंशावलियां हर एक पुरुष की हुआ करती थी। और कैसी वंशावलियां हुआ करती थी? एक वंशावली जो होती थी वो उसके पिता की ओर से हुआ करती थी, और दूसरी वंशावली जो हुआ करती थी वो उसकी माँ की ओर से हुआ करती थी। और इस बात को हम इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय उसके 3रे वचन के अंदर भी पढ़ते हैं, जहां पे मिल्किसदेक की वंशावली के बारे में जब बताया गया है तो बताया गया है कि उसकी वंशावली ना तो पिता की ओर से और ना माता की ओर से हारून के वंश से थी। तो वहां पर भी साफ तौर से इस बात को बताया हुआ है कि यहूदी जगत के अंदर दो प्रकार की वंशावलियां हुआ करती थी। पहली वंशावली तो पिता से हुआ करती थी, दूसरी वंशावली जो है वो माँ से हुआ करती थी। और इसी वजह से यीशु मसीह की जो वंशावलियां दी हुई हैं, तो मत्ती रचे सुसमाचार में यीशु मसीह की जो वंशावली है वो उसके पिता यूसुफ की तरफ से दी हुई है, और लूका रचे सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह की जो वंशावली दी हुई है वो माँ मरियम की ओर से, उसकी माँ की ओर से, माँ के वंश क्रम से वो वंशावली जो है वो प्रदान की गई है। देखिए, अगर यीशु मसीह को मसीह होना था, यीशु मसीह मसीह था, और इस दावे को और भी ज्यादा साफ करना था तो यीशु मसीह का जन्म यहूदा के गोत्र में होना आवश्यक था, क्योंकि जेनेसिस 49:10 के अंदर, उत्पत्ति की पुस्तक 49 उसके 10 के अंदर लिखा हुआ है कि यहूदा के गोत्र से ही मसीह जो है वो आएगा, शिलो जो है वो आएगा। तो मसीह का यहूदा के गोत्र से आना जरूरी था, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दाऊद को दिया था, और परमेश्वर ने दाऊद को कहा था कि तेरी गद्दी पर विराजने वाले युगानुयुग तक बने रहेंगे। यानी कि परमेश्वर ने दाऊद को 2 शमूएल के अंदर कहा था कि तेरी गद्दी पर मैं तेरे एक निज पुत्र को बिठाऊंगा, यानी कि मसीह जो होगा वो दाऊद के सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा। ये भविष्यवाणी जो थी परमेश्वर ने दाऊद को प्रदान कर दी थी। लेकिन यीशु मसीह अगर सुलेमान के वंश से नहीं होता तो यीशु मसीह कभी भी दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। और क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि सुलेमान का जो वंश था उसके पास ही राज सिंहासन का अधिकार सुलेमान के वंश को ही प्राप्त था। और इसी वजह से मत्ती रचे सुसमाचार के अंदर मत्ती ने यीशु मसीह की वंशावली यूसुफ के द्वारा बताई है, यीशु के सांसारिक पिता के द्वारा बताई है। इसलिए बताई है ताकि इस बात को बताया जा सके कि यीशु मसीह का जो सांसारिक पिता था यूसुफ, वो सुलेमान के वंश से था, और सुलेमान के पास ही दाऊद के राज सिंहासन का अधिकार था, और इसी वजह से कानूनी तौर पर यीशु मसीह यूसुफ के कारण दाऊद के राज सिंहासन का उत्तर अधिकारी जो है वो बन जाता है। और इसी वजह से यीशु मसीह को सुलेमान के वंश क्रम के अंदर आना जरूरी था, वरना वो दाऊद के सिंहासन का उत्तर अधिकारी कभी भी नहीं बन पाता। और इसीलिए मत्ती ने अपनी वंशावली यूसुफ के द्वारा लिखी है ताकि वो यहूदी जगत के लोगों को दिखा सके, बता सके, यहूदियों को बता सके कि यीशु मसीह दाऊद के वंश के अंदर पैदा हुआ था और सुलेमान
का जो वंश था उससे ही यीशु का सांसारिक पिता आया था, और इस प्रकार से यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन का एक वास्तविक उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन लूका रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसका 31वां वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर सुलेमान का नाम नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि यीशु मसीह की मां मरियम जो थी वो सुलेमान के वंश से नहीं थी, क्योंकि सुलेमान जो था उसने परमेश्वर को छोड़ करके बाल देवता, मोलेक देवता और अलग अलग जो देवता उस जमाने के अंदर अन्य जातियों के द्वारा पूजे जाते थे उनकी उपासना करनी शुरू कर दी थी। तो परमेश्वर ने साफ तौर से इस बात को बोल दिया था कि परमेश्वर ने सुलेमान को छोड़ दिया है। यहूदी इतिहास बताता है कि सुलेमान जब बूढ़ा हो गया था और उसने अपनी पत्नियों के कहने में आकर के वो सारे बुरे काम करने शुरू कर दिए थे जो कि परमेश्वर ने मना किए थे, उसने मोलेक की उपासना करनी शुरू कर दी थी। मोलेक की उपासना करने का मतलब था कि अपने जो खुद के बेटे हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, उनकी नर बलि मोलेक के उपासकों को चढ़ानी पड़ती थी। यानी अगर सुलेमान ने मोलेक की उपासना करी थी तो उसने अपने खुद के बेटे के बच्चों की बलि जो है वो मोलेक के लिए चढ़ाई होगी। और बाल देवता जो है उसकी उपासना करने के अंदर, अशेरा की उपासना करने के अंदर सुलेमान लग गया था, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में पूरी तरह से घृणित था, गलत था। इसकी वजह से यीशु मसीह कभी भी सुलेमान के वंश के अंदर, उस ब्लड लाइन के अंदर पैदा ही नहीं हो सकता था, मसीह आ ही नहीं सकता था। इसीलिए लूका के अंदर जो मरियम की वंशावली है उसके अंदर तीसरे अध्याय के 31वें वचन में सुलेमान के नाम की जगह दाऊद का जो दूसरा बेटा था नातान उसका नाम लिखा हुआ है। और मरियम जो थी वो नातान के वंश से थी, सुलेमान के वंश से नहीं थी। और जो ज्यूश कॉमेंट्रीज हैं वो इस बात को बताते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसके 31वें वचन के अंदर जिस नातान का नाम लिखा हुआ है, जिसको दाऊद का बेटा बताया गया है, वो और कोई नहीं लेकिन नातान नबी ही था जिसके बारे में हम पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं, जो आकर के दाऊद के खिलाफ भविष्यवाणी करके जाता है। तो जोश कॉमेंट्री इस नातान की पहचान दाऊद के पुत्र के रूप में ही करते हैं। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह को सुलेमान के वंश क्रम के अंदर आना जरूरी था, इसलिए सांसारिक तौर पर यीशु मसीह का पिता यूसुफ जो था वो सुलेमान के वंश से ही था। लेकिन यीशु मसीह का जन्म यूसुफ के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, इसलिए कानूनी तौर पर यीशु मसीह के पास वो अधिकार आ गया था यूसुफ का बेटा होने के कारण कि वो दाऊद के सिंहासन के ऊपर बैठ सकता था। लेकिन ब्लड लाइन के हिसाब से यीशु मसीह नातान नबी के वंश से आया था, क्योंकि मरियम जो थी वो नातान नबी के वंश से आई थी जो कि दाऊद का बेटा हुआ करता था। अब यीशु मसीह की वंशावली जो मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर दी हुई है उसका आरंभ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज लाखों की संख्या में यहूदी लोग जो यीशु मसीह को अपने मसीह के रूप में ग्रहण करते चले जा रहे हैं उसका एक कारण यीशु मसीह की वंशावली भी है। क्योंकि ये वंशावली हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन यहूदी लोग आज भी वंशावलियों को बनाते हैं। उनकी वंशावलियां 2000 साल पीछे तक ट्रेस हो जाती। तो यहूदी लोग जब यीशु मसीह की वंशावली को मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं इस बात को जान करके कि यीशु मसीह वास्तव में एक यहूदी था। यीशु मसीह कोई अन्य जाति व्यक्ति नहीं था, यीशु मसीह एक यहूदी था। प्रॉमिस दिया हुआ था, यीशु ने सामरी स्त्री से कहा था, यीशु ने कहा था उद्धार यहूदियों में से है। हमने उस दिन देखा था तारों में जो सुसमाचार लिखा हुआ है, तारों का सुसमाचार बताता है कि ऊपर आसमान के अंदर जो एक स्त्री खड़ी हुई है जिसको हम वर्गो कहते हैं, जिसको हम कोमा कहते हैं, वो दोनों कॉन्स्टिलेशन में वो स्त्री जो है वो एक यहूदी लड़की प्राचीन काल से ही मानी जाती रही है। तो ये परमेश्वर का एक डिवाइन प्लान था कि मसीह का जन्म एक यहूदी कुंवारी लड़की के द्वारा ही होगा,
और जब इस बात को यहूदी लोग, आज के हमारे यहूदी लोग जब मतिरचित सुसमाचार का आरंभ देखते हैं, उसका पहला वचन देखते हैं, उनकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है मतिरचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले वचन में, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, यानी कि सन ऑफ अब्राहम, सन ऑफ डेविड की यहां पर बात की गई है। और मती के द्वारा एक स्पेसिफिक बिंदु से अपने सुसमाचार का आरंभ किया गया है। मती ने इस बात को कहा कि यीशु मसीह जो है वो इब्राहिम का बेटा है, दाऊद का बेटा है। यहां पर इस बिंदु से मती ने अपने सुसमाचार का आरंभ कर दिया था। और अब्राहम का बेटा जो है, सन ऑफ अब्राहम जो है, वो क्यों कहा गया ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मती के सुसमाचार के लिए माना जाता है कि मती का जो सुसमाचार था वो वास्तव में यहूदी विश्वासी जो थे उनके लिए मती के द्वारा लिखा गया था, इसलिए उसने उन टर्म्स का उपयोग किया था जो यहूदियों के अंदर प्रचलित थे और यहूदी बोला करते थे, यहूदी माना करते थे। तो मती ने जब सुसमाचार लिखा तो ये बताना बहुत जरूरी था कि यीशु मसीह अब्राहम का बेटा है। क्यों है? क्योंकि जितने भी यहूदी लोग हैं, यहूदी जाति जो है वो सब अब्राहम में से निकली है, और यहूदी लोग अब्राहम को ही अपना पिता मानते हुए आए हैं आज भी। और अगर यीशु मसीह अब्राहम का बेटा है तो इसका मतलब है कि वो एक यहूदी है, वो यहूदा के गोत्र से आया हुआ है, और जिसकी भविष्यवाणी याकूब के द्वारा उत्पत्ति की पुस्तक में दी गई थी। तो इसी वजह से एक स्पेसिफिक बिंदु के साथ मती अपने सुसमाचार को प्रारंभ करता है यहूदी विश्वासियों के लिए, और बताता है कि यीशु मसीह कोई अन्य जाति व्यक्ति नहीं था, जेंटाइल नहीं था, लेकिन यीशु मसीह एक यहूदी था और यहूदियों में से ही मसीह निकल करके अब्राहम का बेटा हो करके सामने आया है। और जो प्रॉमिस परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके तीसरे वचन में, कि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम जो है उसके द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, वो स्पेसिफिक भविष्यवाणी मानी जाती थी यहूदियों में कि ये मसीह के लिए दी गई भविष्यवाणी है कि इब्राहिम का बेटा, सन ऑफ अब्राहम जो है, यानी मसीह जब आएगा तो मसीह के द्वारा भूमंडल के सारे कुल जो है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो आशीष पाएंगे, इस बात को यहूदी लोग माना करते थे। और इसीलिए इस स्पेसिफिक बिंदु के साथ मती ने अपने सुसमाचार का आरंभ किया था। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब सन ऑफ डेविड उसको क्यों कहा गया? एक इंपॉर्टेंट लिंक जो है उसको कनेक्ट कर रहा था मती यहां पर यीशु मसीह के साथ दाऊद का, क्योंकि मसीह होने की जो दूसरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन थी वो ये थी कि मसीह जो है वो दाऊद का पुत्र होगा, दाऊद के वंश से आएगा। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन, पहली सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन, वो अब्राहम का बेटा होगा, यानी अब्राहम के वंश से आएगा, यहूदी होगा। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन मसीह होने की जो थी वो ये थी कि वो दाऊद के वंश से आएगा, वो दाऊद का पुत्र कहलाएगा। ये बात जो है वो लिखी हुई है। और दूसरा शमूएल उसका 7:8-13 वचन पढ़े तो परमेश्वर ने दाऊद को ये प्रॉमिस दिया था कि मैं तेरी राज गद्दी पर तेरे एक निज वंश को बिठाऊंगा, यानी मसीह जो है जब भी वो आएगा तो वो दाऊद के वंश से आएगा, और दाऊद के वंश के पास जो कि राजगद्दी का उत्तर अधिकार था, सक्सेशन था, उसके ऊपर आकर के दाऊद की गद्दी पर वो विराजमान होगा। ये प्रॉमिस परमेश्वर ने दाऊद को प्रदान किया था, और इसीलिए यीशु मसीह के लिए मती ने बताया कि वो इब्राहिम का भी बेटा है और वो दाऊद का भी बेटा है। यानी मती ने पहले ही शॉट में 2-3 वर्ड्स के अंदर ही यहूदियों के सामने इस बात को साफ कर दिया था कि यीशु मसीह उन्हीं सारे मानकों को पूरा कर रहा है, उन्हीं सारी शर्तों को पूरा कर रहा है जो मसीह के लिए मानी जाती है। दोनों सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन जो मसीह की मानी जाती थी वो यीशु मसीह पूरा कर रहा है, इस बात को मती ने अपने सुसमाचार के अंदर बता दिया था।
अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो वंशावलियों के अंदर लिखी हुई है वो लूका रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसके 23वें वचन के अंदर लिखी हुई। और लूका रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसके 23वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए आया उस समय वो 30 वर्ष की आयु का था। और यीशु मसीह की वंशावली आरंभ करने से पहले क्यों स्पेसिफिकली इस बात को बताया गया कि यीशु मसीह उस समय 30 वर्ष की आयु का था? इसके दो कारण हैं। इसका पहला कारण यह है कि यहूदी जगत के अंदर ऐसा माना जाता है, जोश थॉट के अंदर ऐसा माना जाता है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने आदम को 30 वर्ष का एक युवा पुरुष के रूप में बनाया, और क्योंकि मसीह जो है वो आदम का ही लिखा हुआ है पत्रियों में भी, जब हम गॉस्पल्स पढ़ते हैं उसके बाद हम पत्रियां पढ़ते हैं तो लिखा है यीशु मसीह दूसरा आदम था, यानी आदम के पापों से आदम को छुड़ाने के लिए दूसरा आदम आएगा। तो इसी वजह से यीशु मसीह की एज जो है वहां पर बताई गई है कि वो 30 वर्ष की आयु का था, क्योंकि यहूदी विचारधारा में माना जाता है कि जब आदम को बनाया परमेश्वर ने तो 30 वर्ष की आयु का उसको बनाया था। लेकिन दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण था कि यीशु मसीह की एज जो है वो वहां पर बताई गई है, और वो कारण क्या था? मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी कि यीशु मसीह का बपतिस्मा जो हुआ था वो उन मानकों के आधार पर हुआ था जैसे कि एक याजक का अभिषेक किया जाता था, क्योंकि यीशु मसीह का याजकीय अभिषेक बपतिस्मे के समय हो रहा था, और याजकों की सेवा करने वाली, सेवकाई करने वाली एज, आयु जो है जो बाइबल के अंदर बताई गई है वो 30 वर्ष की आयु बताई गई। और कहां पर बताई गई है? गिनती की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसके 3रे वचन में, और गिनती की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 23वें वचन में भी, और गिनती की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसके 30वें वचन के अंदर भी इसी बात को बताया हुआ है कि याजकों के लिए मूसा की व्यवस्था के अंदर जो एज क्राइटेरिया दिया गया था कि याजक जो हैं वो परमेश्वर की सेवा कब कर सकेंगे, 30 वर्ष की आयु के होकर के कर सकेंगे, उनका अभिषेक किया जाएगा हारून के वंश के लड़कों का। उसी प्रकार से यीशु मसीह का जब याजकीय अभिषेक हो रहा था, प्रीस्टली अनॉइंटिंग उसकी जब हो रही थी, इसी वजह से बताया गया है कि वो 30 वर्ष की आयु का था, और वहां से उसकी वंशावली लूका ने स्टार्ट करी और लेकर के वो आदम तक गया है। 30 साल का लूका ने उसको बताया है, उसके बाद उसकी वंशावली को ट्रेस करके अब्राहम तक नहीं लेकिन आदम तक लेकर के जाता है, क्योंकि वो वही कनेक्शन वहां पर बिठा रहा था कि परमेश्वर ने आदम को 30 वर्ष का एक युवा लड़का बनाया था और अब यहां पर मसीह आ गया है जो 30 वर्ष का है, और ये उस उद्धार के काम को पूरा करेगा जिसकी भविष्यवाणी उत्पत्ति की पुस्तक 3रे अध्याय उसके 15वें वचन में परमेश्वर ने दी थी कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचल करके रख देगा। उस बात को लूका जो है वो वहां पर जाहिर कर रहा था। 30 साल का था आदम जब उसने पाप कर दिया था, 30 साल का था यीशु मसीह जब उसने अपनी सेवकाई को प्रारंभ कर दिया था। तो इस बात को यीशु की वंशावली के स्टार्टिंग में ही मत्ती के द्वारा और लूका के द्वारा बताया गया है। उसको अब्राहम का बेटा कहा गया है, उसको दाऊद का बेटा कहा गया है, स्पेसिफिक बिंदु से सुसमाचार का आरंभ किया है। और लूका ने, क्योंकि वो आदम की तरफ उसकी वंशावली को ट्रेस कर रहा था, लूका ने अपना सुसमाचार यहूदियों के लिए नहीं लेकिन जेंटाइल वर्ल्ड के लिए लिखा था, अन्य जातियों के लिए लिखा था, इसलिए वो उसकी वंशावली को आदम तक लेकर के जा रहा था और बता रहा था कि आदम के पापों से छुड़ाने वाला उद्धारकर्ता जो है वो आ गया है, और ये उसकी वंशावली। और ये सारी वंशावलियां मत्ती ने मनगणंत नहीं लिखी थी, ना लूका ने मनगणंत लिखी थी, क्योंकि यहूदी लोग वंशावलियों का रिकॉर्ड रखा करते थे और ये सारा रिकॉर्ड जो है वो परमेश्वर के मंदिर में रखा जाता था। परमेश्वर के मंदिर में वंशावलियों का एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था, वहां पर सारी वंशावलियां रखी जाती थी। और मत्ती ने यीशु की वंशावली को कहां से ट्रेस किया?
मंदिर के उसी रिकॉर्ड रूम से ट्रेस किया। लूका ने कहां से ट्रेस किया? मंदिर के उसी रिकॉर्ड रूम में जाकर के वहां से यीशु की वंशावली को लूका ने भी ट्रेस किया था। तो ऐसा नहीं है कि हवा में बातें की जा रही है, यहां पे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। आज भी यदि हम इज़राइल जाएं और वहां पे जाकर के यीशु की वंशावलियों को ढूंढे तो ओरिजिनल वंशावली वहां पर उसकी कोई नकल हमको आज भी मिल जाएगी, क्योंकि 2000 साल से भी पुरानी वंशावलियां यहूदियों के पास आज भी मौजूद हैं। यहूदियों के तालमूद के अंदर वंशावलियों का रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये सब कोई बेकार की बातें नहीं है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक बिंदु के साथ सुसमाचार का आरंभ होता है। और सुसमाचार साफ तौर से बताता है कि यीशु ही वो मसीह था जो कि इब्राहिम के वंश से आया था, दाऊद के वंश से आया था, और दाऊद के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी यीशु मसीह ही है, जिसका प्रॉमिस परमेश्वर ने दाऊद को दिया था। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 17वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मत्ती उसका पहला अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुई। अब यहां पर मत्ती ने तीन ग्रुप बनाए हैं 14-14 नामों के, और 14-14 नामों के 14-14 जनरेशंस उसने बताई हैं, और तीन ग्रुप यहां पर बताए हैं। यीशु मसीह की वंशावली को जब हम पढ़ते हैं, चाहे मत्ती रचित सुसमाचार में, चाहे लूका रचित सुसमाचार में, तो उसमें कई सारे नाम जब हम पढ़ते हैं तो वो नाम हमारे लिए पूरी तरह से महत्वहीन होते हैं, यानी अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहूदी दृष्टिकोण से मसीह की वंशावली में उन स्पेसिफिक लोगों का नाम आना और यीशु मसीह की वंशावली में उनका होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हुआ करता था या होता था, अगर यीशु को मसीह होना था। और ये तीन कैटेगरीज, जो तीन ग्रुप मत्ती ने बनाए हैं 14-14-14 के, इसके अंदर कई सारे नामों को वंशावलियों के अंदर से मत्ती ने स्किप कर दिया है। और क्यों कर दिया है? ये यहूदियों का वंशावली बनाने का एक तरीका हुआ करता था। अब हम कहेंगे कि इस तरह तो मत्ती ने अपने मनगढ़ंत वंशावली यीशु की बना दी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुराने नियम के अंदर एज़रा की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और नेहमाया की पुस्तक उसके 7वें अध्याय को पढ़ें तो वहां पर इसी प्रकार से वंशावलियों का क्रम जो है वो बताया गया है। इसी प्रकार से वंशावलियां बताई गई हैं कि स्पेसिफिक लोगों के नाम लिखे गए हैं, बाकी दूसरों के नाम जो हैं वो स्किप किए गए हैं। और मत्ती ने जानबूझ करके कुछ नामों को स्किप किया, जानबूझ करके कुछ नामों को हटाया, ताकि हर ग्रुप के अंदर 14-14-14 नाम ही आए, क्योंकि लेखक जो था वो कुछ स्पेसिफिक बात के ऊपर फोकस कराना चाहता था। बाइबल के जमाने के अंदर जब लेखक वंशावलियों को लिखा करता था और अगर वो किसी स्पेसिफिक बात के ऊपर अपने रीडर्स का ध्यान लेकर के आना चाहता था तो वो इसी प्रकार से कुछ करता था, ताकि उस बात को वो लोगों को हाईलाइट करके बता सके। इसलिए मत्ती ने सारे नाम यीशु मसीह की वंशावली में नहीं लिखे, लेकिन उसने कुछ इंपॉर्टेंट नाम यीशु मसीह की वंशावली में लिखे, और 14-14-14 जो नाम थे उसके तीन ग्रुप उसने बनाए और एक स्पेसिफिक उद्देश्य से उसने ऐसा किया था। और 14 ही नाम उसने हर ग्रुप के अंदर क्यों रखे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो चाहता तो 20 नाम भी रख सकता था, 3 नाम भी रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने इंटेंशनली ऐसा किया था क्योंकि वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा था। क्यों बता रहा था? यहां पे लिखा है यीशु मसीह दाऊद की संतान है। मसीह जो है वो दाऊद की संतान होगा। जब यीशु मसीह को यहूदियों ने देखा तो उन्होंने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो मसीह दाऊद का ही बेटा होगा, इसी वजह से इस बात को दाऊद के साथ मसीह का बहुत ज्यादा कनेक्शन बिठाने के लिए
मती ने यहां पर 14 14 14 का सेट बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि हिब्रू भाषा के अंदर जो हिब्रू अल्फाबेट होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और दाऊद का जो नाम है हिब्रू भाषा में, दाऊद को हिब्रू में दाविद कहा जाता है। हिब्रू के अंदर दाविद कहा जाता है। अगर इंग्लिश में हम उसकी स्पेलिंग लिखे तो दाविद की स्पेलिंग होती है DVD, डेविड नहीं लेकिन DVD, दाऊद की स्पेलिंग होती है। और हिब्रू भाषा में दालेत वाव दालेत इसको कहा जाता है, यानी डी को दालेत और वी को वाव और डी को दालेत कहा जाता है। और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? दालेत की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 4, वाव की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6 और दालेत की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6। तो इस प्रकार से 4 6 4 को जब हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है 14, 14 नंबर हमारे सामने आ जाता है। यानी दाऊद के नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू हिब्रू भाषा के अंदर 14 होती है, और इसीलिए यहां पर मत्ती के द्वारा 14 14 14 के 3 सेट बनाए गए। यानी कि बाइबल के अंदर इस बात को बोला गया है कि 2 या 3 जनों की गवाही जो है वो पर्याप्त होती है किसी भी बात को साबित कर देने के लिए। इसीलिए मत्ती के द्वारा इंटेंशनली ये काम किया गया, दाऊद के साथ मसीह के कनेक्शन को और भी ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए उसने ऐसा किया था और बताया था कि एक बार ही नहीं लेकिन 3 बार यीशु मसीह जो है वो साबित होता है कि वो दाऊद की ही संतान था, और इसीलिए उसने मसीह का वो काम किया, उद्धार का वो काम किया, और इसीलिए मती उसके सुसमाचार को लिख रहा है। और तो इस वजह से मती ने जानबूझ करके 3 सेट 14 14 14 के बनाए थे। अब इसके बाद एक और बिंदु जो है हमारे सामने आता है जिसको आपको यीशु मसीह की वंशावली के अंदर समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत सरल करके आपको समझा रहा हूं। अगर मैं स्कॉलरली परसेप्टिव से आपको सिखाना शुरू करूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने सुबह से पूरी कोशिश करी है कि यीशु मसीह की वंशावली को मैं बहुत सरल करके आपको समझाऊं। तो जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सरल तरीके से समझा रहा हूं, इससे ज्यादा सरल तरीके से यीशु मसीह की वंशावली को मैं आपको ना तो समझा पाऊंगा और ना आप इससे सरल तरीके से यीशु मसीह की वंशावली को कभी समझ पाएंगे। तो कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो आपको जिस तरीके से मैं यीशु मसीह की वंशावली समझा रहा हूं उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये वंशावलियां दी हुई हैं सुसमाचारों के आरंभ। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है जो मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर बताया गया है। यहां पर लिखा है, और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुनिया और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहां पर लिखा है यकुनिया उत्पन्न हुआ। अब यीशु मसीह की वंशावली में यकुनिया का नाम जब आ गया मत्ती रचित सुसमाचार में, तो एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो मती के द्वारा यहां पर कर दी गई यहूदियों के सामने। ये यकुनिया जो है इसको पुराने नियम के अंदर पोनिया कहा गया है, पोनिया। और इसके बारे में यर्मिया की पुस्तक उसका 22 अध्याय 28 से 30 वचन के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर कोनिया से अत्यधिक नाराज था और परमेश्वर ने कहा था कि कोनिया जो है उसके वंश से कोई भी राज सिंहासन के ऊपर विराजमान नहीं होगा। परमेश्वर ने इस बात को बोल दिया था। क्या लिखा हुआ है उन वचनों में हम एक बार पढ़ लेते हैं। यकुनिया जो है उसको पुराने नियम में कोनिया कहा गया है, और यर्मिया की पुस्तक उसका 22 अध्याय 28 से 30 में क्या लिखा है आपके सामने, मैं उन वचनों को पढ़ रहा हूं ताकि सब कुछ यीशु की वंशावली के अंदर जो दिया हुआ है आपको समझ में आने पाए। यर्मिया उसका 22 अध्याय 28 से 30 में लिखा है, क्या ये पुरुष कोनिया तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या ये निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी पृथ्वी हे पृथ्वी, यहुआ का वचन सुन। यहुआ यूं कहता है, इस पुरुष को वंशावलियों के अंदर निर्वंश लिखो,
उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। परमेश्वर ने एक कर्स जो था वो कोनिया यानी जिसको मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 11वें वचन के अंदर यकुनिया कहा गया है, उसको कर्स परमेश्वर के द्वारा दिया गया था उसके कामों के कारण कि उसके वंश के अंदर से कोई भी कभी भी दाऊद की गद्दी के ऊपर नहीं विराजने पाएगा। और यहां पर यीशु मसीह का जो सांसारिक पिता था यूसुफ, उसके लिए बताया गया है कि वो यकुनिया के या कोनिया के ही वंश से था, जबकि श्राप दिया गया था कि उसके वंश से तो कोई कभी राजगद्दी पर विराजने ही नहीं पाएगा। तो यहां पर एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इस मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर यीशु मसीह की वंशावली ट्रेस हो रही है यकुनिया तक, तो यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है जैसा कि यर्मिया के अंदर बताया हुआ है। लेकिन यूसुफ जो था वो यीशु मसीह का बायोलॉजिकल फादर नहीं था, यीशु मसीह का जन्म यूसुफ की ब्लड लाइन से नहीं हुआ था, यकुनिया की सुलेमान की ब्लड लाइन से यीशु का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए ये मेजर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है, और इसीलिए आगे लिखा है, इसीलिए बताया गया है, इसीलिए यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया है कि वो कुंवारी से जन्मा है भाई। और क्यों कुंवारी से जन्मा है? क्योंकि ब्लड लाइन के अंदर यकुनिया का नाम आ रहा है, जो कि मेजर प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है, मसीह की क्वालिफिकेशन को खराब कर देता है। परमेश्वर ने उसको श्राप दिया था, उसके वंश से कोई भी दाऊद की गद्दी पर नहीं बैठेगा। यीशु मसीह जो था वो दाऊद के वंश से तो था, लेकिन वो यकुनिया की ब्लड लाइन से नहीं था, वो सुलेमान की ब्लड लाइन से नहीं था, वो यूसुफ की ब्लड लाइन से नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा जो था वो मां मरियम के ऊपर उतरा था और पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम ने गर्भ धारण किया था। इसलिए यीशु मसीह का उस ब्लड लाइन से कोई लेना ही देना नहीं था। लेकिन क्योंकि राज अधिकार जो था, राजदंड जो था, गद्दी का अधिकार जो था वो दाऊद के वंश के पास था, इसी वजह से यीशु मसीह जो है वो यूसुफ जो है वो यीशु मसीह का पिता बनाया गया, ताकि वो कानूनी अधिकार यीशु मसीह को अपने आप ही यूसुफ के पुत्र होने के कारण मिल जाने पाए। तो यहां पर ये मेजर बात जो है वो यहां पर सॉल्व हो जाती है। और इसीलिए लूका रचित सुसमाचार, क्योंकि मैंने आपको बताया मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु की वंशावली यूसुफ की तरफ से दी हुई है, और लूका रचित सुसमाचार में यीशु की वंशावली मां मरियम की तरफ से दी हुई है। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसके 27वें वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर यकुनिया का नाम जो है वो नहीं दिया गया है और ना ही यूसुफ के पिता का नाम बताया गया है, क्योंकि यूसुफ का जो बायोलॉजिकल फादर था उसका नाम याकूब था, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर बताया गया है। मैं आपको बता देता हूं किस वचन के अंदर बताया हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 16वें वचन को पढ़ें तो वहां पे लिखा है याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। याकूब जो था वो यूसुफ का पिता था, कौन से यूसुफ का? जो कि यीशु मसीह का पिता माना जाता है। लेकिन आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहां पर यूसुफ का पिता जो है उसका नाम कुछ और बताया गया है, उसका नाम एली बताया गया है। अब यूसुफ का पिता तो याकूब था, तो फिर लूका ने यूसुफ के पिता का नाम एली कैसे बता दिया? तीसरे अध्याय के 23वें वचन के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर, जिस भाषा के अंदर नया नियम लिखा गया, सुसमाचार लिखे गए, उसके अंदर अगर आप लूका रचित सुसमाचार के तीसरे अध्याय के अंदर यीशु मसीह की जो वंशावली है उसको पढ़ेंगे तो वहां पर लूका के द्वारा एक आर्टिकल जो है जिसको हम द कहते हैं, दी कहते हैं, THE, वो हर नाम के आगे लगाया गया है, यानी कि द सन ऑफ
जैकब, द सन ऑफ लीवाई, इस तरह से वहां पे द शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब बात आती है कि यीशु मसीह यूसुफ का बेटा है, तो वहां पे वो आर्टिकल दस द जो है आर्टिकल, यानी कि लूका रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय उसके 23वें वचन के अंदर जब ये बताया गया है कि यीशु मसीह यूसुफ का बेटा था, तो वहां पे द शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है? ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो पाठक होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, जब वो इस तरह के किसी भी लेख को पढ़ते थे, तो ये उनके लिए एक लाल सिग्नल होता था, एक रेड फ्लैग होता था कि यहां पर कुछ अनयूजुअल बात बताई हुई है, क्योंकि सबके नामों के आगे लिखा हुआ है द सन ऑफ, लेकिन जब यूसुफ के बारे में बताया जा रहा है तो वहां पे द वर्ड का यूज नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यीशु मसीह यूसुफ का बेटा था ही नहीं, इसलिए वहां पे द वर्ड का इस्तेमाल ग्रीक भाषा में किया भी नहीं गया। मतलब जितने भी पुरुषों के नाम लूका रचित सुसमाचार के तीसरे अध्याय की वंशावली में बताए गए हैं, वो सारे पुरुष जो हैं वो मां मरियम के रिलेटिव्स थे, मां मरियम उनके वंश क्रम से थी, लेकिन यूसुफ जो था वो उनसे रिलेटेड नहीं था, उनके वंश क्रम से नहीं था। यूसुफ किन से रिलेटेड था? मत्ती रचित सुसमाचार में जो वंशावली दी हुई है उनसे रिलेटेड था, इसलिए यहां पे द वर्ड का इस्तेमाल जो है वो यूसुफ के लिए नहीं किया गया है। और मैंने आपको बताया मत्ती 1:16 में यूसुफ के पिता का नाम याकूब बताया गया है, लेकिन लूका रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसके 23वें वचन के अंदर यूसुफ के पिता का नाम एली बताया गया है। अब ऐसा कैसे हो गया? हम इस विषय पे भी थोड़ा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इस बात को बताया जाता है कि एली जो था वो यूसुफ का पिता नहीं था, लेकिन वो मां मरियम का पिता था। अब हमको कैसे पता कि मां मरियम के पिता का नाम एली ही था? क्योंकि यहूदियों का जो ग्रंथ है तालमूद, उस तालमूद के अंदर एक सेक्शन है जिसको ट्रैक्टेट हगीगा कहा जाता है, और ट्रैक्टेट हगीगा नाम का जो सेक्शन है तालमूद के अंदर उसके दूसरे अध्याय के 4वें वचन के अंदर बताया हुआ है मां मरियम के बारे में, और मां मरियम के लिए बताया है कि मां मरियम के पिता का नाम एली हुआ करता था। और इसीलिए हमको पता चल जाता है कि लूका ने यीशु मसीह की वंशावली मरियम के द्वारा दी है, और मत्ती ने यीशु की वंशावली जो है वो यूसुफ के द्वारा दी है, तो वहां से भी साबित हो जाता है। लेकिन बाइबल के जमाने में दामाद जो हुआ करता था वो ससुर का बेटा ही माना जाता था, और जब भी ससुर की वंशावली लिखी जाती थी तो ससुर की वंशावली के अंदर दामाद का नाम बेटे के रूप में ही आया करता था। और इसी वजह से लूका ने जब एली की वंशावली को बनाया, मरियम की वंशावली को बनाया, तो उसमें यूसुफ के नाम को इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि यूसुफ एली का दामाद था, और कल्चर के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से ससुर का जो दामाद होता था उसको बेटा ही माना जाता था, इसलिए उसको वंशावली के अंदर इंक्लूड किया जाता था। और इसीलिए लूका ने मरियम की वंशावली में यूसुफ के पिता का नाम एली बताया है, जबकि एली यूसुफ का ससुर था, मरियम का पिता हुआ करता था। तो इस प्रकार से भी एक वंशावली जो है वो लिखी जाती थी, और इससे ही हमको पता चल जाता है कि लूका के अंदर यीशु की वंशावली मरियम के द्वारा दी हुई है और मत्ती में यूसुफ के द्वारा दी हुई है। उसके बाद ये उत्तराधिकार जो था, अब हमने देखा कि यकुनिया जो था उसका नाम मत्ती रचित सुसमाचार की वंशावली में दिया हुआ है, और वहां पे मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि यीशु मसीह जो है वो कुंवारी से उत्पन्न हो गया, उसका कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं था, तो यकुनिया का श्राप यीशु मसीह पे लागू ही नहीं होता है। लेकिन ये उत्तराधिकार जो हुआ करता था बाइबल के जमाने में, वो मां के द्वारा भी पास ऑन किया जाता था अपने बच्चों को, सिर्फ पिता के द्वारा ही नहीं। ऐसा माना जाता है
कि उत्तर अधिकार जो है या इनहेरिटेंस जो है, विरासत जो है, सिर्फ पिता के द्वारा ही बच्चों को मिलती है। लेकिन बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं कि उत्तर अधिकार जो हुआ करता था, इनहेरिटेंस जो हुआ करता था, वो मां के द्वारा भी पास ऑन किया जाता था। कैसे किया जाता था? गिनती की पुस्तक उसका 27 अध्याय 1-11 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर सलोफाद की 5 बेटियों के बारे में बताया गया है। और सलोफाद की 5 बेटियों के बारे में बताया गया है कि सलोफाद के कोई बेटा ही नहीं था। तो परमेश्वर ने ऐसा नियम मूसा को बताया था कि इनहेरिटेंस जो है, विरासत जो है, या उत्तराधिकार जो है, वो सलोफाद की 5 बेटियों को मिलने पाए। यानी सलोफाद का सारा इनहेरिटेंस जो था वो सलोफाद की 5 बेटियों को मिला था। यानी कि बेटियों के द्वारा भी इनहेरिटेंस पास ऑन किया जाता है। ये बात खुद परमेश्वर के द्वारा एक नियम बना करके, एक कानून बना करके मूसा को दी गई थी, जिसके बारे में हम गिनती उसका 27 अध्याय 1-11 वचन के अंदर पढ़ लेते हैं। तो जब यीशु मसीह का जन्म मां मरियम के द्वारा हुआ, मां मरियम जो कि नतान के वंश से थी, नतान जो कि दाऊद का पुत्र हुआ करता था, तो दाऊद का जो इनहेरिटेंस था वो मां मरियम के द्वारा यीशु मसीह को पास ऑन कर दिया गया। तो यीशु मसीह को यकुनिया के वंश से आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दाऊद का इनहेरिटेंस जो था वो मां मरियम की ब्लड लाइन के द्वारा यीशु मसीह को वैसे ही मिल गया था। तो इसी वजह से वहां पर इन सब बातों को बताया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह की वंशावली के अंदर 5 स्त्रियों का नाम हमको देखने को मिलता है। और दूसरी ओर गिनती उसका 27 अध्याय पहले वचन को पढ़ें तो जो सलोफाद की बेटियां बताई गई हैं, 5 बेटियों के नाम वहां पर बताए गए। यानी मती जो था वो यकुनिया की वजह से जो ब्लड लाइन के अंदर जो कर्स आ गया था उसका इलाज भी वहां पर बता रहा था। मती ने अपनी वंशावली के अंदर 5 स्त्रियों के नाम लिखे। तमार का नाम लिखा, राहाब का नाम लिखा, रूत का नाम लिखा, बतशेबा के बारे में बताया और मरियम का नाम वंशावली में, यीशु की वंशावली में लिखा। 5 महिलाओं के नाम यीशु की वंशावली में लिखे। और यकुनिया का नाम जब उसने उसमें इंक्लूड किया तो यकुनिया जिसको परमेश्वर ने श्राप दिया था, वो श्राप यीशु मसीह पर नहीं आएगा। मती ने इस बात को जाहिर कर दिया। क्यों? क्योंकि सलोफाद की 5 बेटियां जो थी, वो 5 महिलाएं जो थी, उनको इनहेरिटेंस पास ऑन किया गया था। तो मती ने इस बात को बता दिया कि दाऊद का इनहेरिटेंस जो है, दाऊद का उत्तराधिकार जो है, वो मरियम के द्वारा, स्त्री के द्वारा मसीह को पास ऑन कर दिया जाए। तो इसी वजह से 5 स्त्रियों के नाम जो हैं वो यीशु की वंशावली के अंदर बताए गए। और इसीलिए मती ने 5 स्त्रियों के नाम लिख करके एक गुप्त सिग्नल जो था या संकेत जो था वो प्रदान कर दिया था। अब यीशु मसीह की वंशावली के अंदर मती रचित सुसमाचार में जो दी हुई है उसमें 5 स्त्रियों के नाम क्यों बताए गए हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि सलोफाद की बेटियों के भी 5 नाम ही बताए गए हैं। उसकी 5 बेटियां थी, यहां पर भी 5 स्त्रियों के नाम आए हैं। और इसलिए 5 स्त्रियों के नाम आए हैं क्योंकि मती जो था वो सलोफाद की 5 बेटियों की तरफ इशारा कर रहा था कि कैसे इनहेरिटेंस बेटियों के द्वारा भी पास ऑन किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि तमार, राहाब और बतशेबा जो थी वो सेक्सुअल इमोरलिटी उन्होंने करी थी। और सेक्सुअल इमोरलिटी जब उन्होंने करी थी, दूसरी ओर रूत जो थी वो मुआबी थी, मुआबी जो थे वो परमेश्वर ने उनको परमेश्वर की दृष्टि में वो श्रापित थे। और व्यवस्था विवरण 23:3 में भी इस बात को लिखा हुआ है। तो मती ने इस बात को प्रकट किया था कि यीशु मसीह जो है, देखिए रूत जो थी वो अन्य जाति थी, राहब जो थी वो अन्य जाति थी, तमार जो थी वो एक इब्री लड़की थी, शेम के वंश से थी, और मरियम जो थी वो दाऊद के वंश से थी।
तो इस बात को बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि स्त्रियों का नाम और उनमें से तीन स्त्रियां ऐसी जिन्होंने गंभीर सेक्सुअल इमोरलिटी कर ली थी, इस बात को मत्ती ने अपने सुसमाचार के अंदर बताया है कि चाहे अन्य जाति हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गुलाम हो, चाहे स्वतंत्र हो, लेकिन यीशु मसीह जो है वो सारी मानव जाति के लिए और उनका उद्धार कर देने के लिए इस संसार के अंदर आया था। जैसा कि गलातियों के पत्री उसका तीसरा अध्याय उसके 28वें वचन के अंदर पौलुस के द्वारा भी बताया गया है। तो मत्ती ने उन पांच महिलाओं का नाम इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि वो सलोफात की बेटियों की तरफ इशारा कर रहा था। वो इस बात को बता रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अन्य जाति हो, यहूदी हो, पाप में नहीं हो, पवित्र हो, लेकिन सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी के ऊपर हुआ था। लेकिन तीसरी बात जो बाइबल स्कॉलर्स के द्वारा बताई जाती है कि क्यों उन पांच महिलाओं का नाम लिखा गया मत्ती के द्वारा, वो एक और बात को जाहिर कर रहा था। किस बात को जाहिर कर रहा था? तमार जो थी वो इब्री थी। इब्री यानी कि वो जैसे यहूदी लोग, इजरायली लोग इब्री थे, शेम के वंश से थे, एबेर के वंश से थे, अब्राहम के वंश से थे, ऐसे ही तमार जो थी वो भी इब्री थी, जो इस कॉमेंट्रीज के अंदर बताया हुआ है। और उसके जीवन की परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि जीवन की परिस्थितियों की वजह से तमार गलत मार्ग के ऊपर चली गई थी, अपने ही ससुर के साथ उसने व्यभिचार कर लिया था, जीवन की परिस्थितियों के कारण। तो मसीह जो है वो उन लोगों का उद्धार करने के लिए आ रहा है जिन्होंने तमार की तरह ही पाप किया है, वो आ गया है। मत्ती ने इस बात को जाहिर किया था, जीवन की परिस्थितियों की वजह से जो पाप कर जाते हैं उनको पापों से छुड़ाने के लिए मसीह का आगमन इस संसार में हुआ है। मत्ती ने इस बात को जाहिर कर दिया था। और हम देखते हैं यीशु मसीह की सेवकाई में तमार जैसी ही एक स्त्री की मुलाकात यीशु मसीह से हुई थी, जिसको हम सामरी स्त्री के नाम से जानते हैं। और जैसे तमार ने पहले यहूदा के बड़े बेटे से शादी करी, उसके बाद यहूदा के छोटे बेटे से शादी करी, और उसके बाद वो सबसे छोटे बेटे से शादी करने के लिए भी तैयार थी, फिर उसने ससुर के साथ ही विवाह कर लिया, उसी प्रकार से सामरी स्त्री के बारे में बताया हुआ है, उसने इतने विवाह कर लिए थे और उसके बाद उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई थी और यीशु मसीह ने उसको उद्धार का सुसमाचार और उद्धार का मार्ग बताया था, जो कि इस बात को प्रकट करता है कि दुनिया के वो सारे लोग जो पाप की दलदल में फंस गए हैं, अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण उनको उस पाप की दलदल में से बाहर निकालने के लिए मसीह इस संसार में आ चुका है। अब राहब वेश्या के बारे में हम पढ़ते हैं, और राहब का नाम यीशु की वंशावली के अंदर आया है। राहब जो थी वो अन्य जाति थी, जेंटाइल थी। राहब जो थी वो प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन वो कंप्लीट पाप में अपना जीवन तो बिता रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसको अपने पापों का बोध था और वो अपने पापों से बचना चाहती थी, वो परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी। इसी वजह से उसने जासूसों को अपने घर में छिपा लिया था। उसको पता था कि एक शक्ति है, परमेश्वर है, वो ही असीम शक्ति है और वो ही उसके पापों को माफ कर सकता है। यीशु मसीह, जब राहब का नाम यीशु मसीह की वंशावली में मत्ती ने लिखा, तो मत्ती इस बात को भी जाहिर कर रहा था कि वो उन सारे लोगों के लिए मसीह इस संसार के अंदर आया जो कि अन्य जाति हैं, लेकिन उसके बावजूद घोर पाप के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो इस बात की आस देख रहे हैं कि कोई तो उनको उनके पापों से छुड़ा ले। तो मसीह जो है वो यीशु के रूप में संसार में आ गया है, वो मरियम का बेटा है। इस बात को वंशावली के द्वारा मत्ती ने जाहिर कर दिया। और यीशु की सेवकाई के अंदर यीशु की मुलाकात राहब जैसी एक स्त्री से भी हुई थी। एक स्त्री जब यीशु मसीह चमोन कोड़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, तो एक स्त्री आई। वो मरियम मगदलीनी नहीं थी, कहीं पर भी नहीं लिखा है, सुसमाचारों को पढ़ लीजिए। एक स्त्री आई जो कि पापिनी स्त्री थी, पाप के अंदर पापिनी स्त्री, यानी हो सकता है वो प्रोस्टिट्यूट हो। और पापिनी स्त्री आई और आकर के
उसने यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोया और अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को उसने पोंछा और यीशु मसीह ने उसके पापों को माफ कर दिया था। तो राहब जैसी एक स्त्री की मुलाकात यीशु की सेवकाई में यीशु से हुई थी। यानी यीशु मसीह उन सब ऐसे लोगों के लिए आया है जो कि अपने पापों के अंदर डूबे हुए हैं और उद्धार को प्राप्त करना मांग रहे हैं, बचना मांग रहे हैं, निकलना मांग रहे हैं। तीसरी बात, रूत के बारे में बताया हुआ है। रूत जो है वो भी एक अन्य जाति स्त्री थी। रूत जो थी वो मोआबी थी और मोआबी जो थे उनको परमेश्वर ने श्राप दिया था, वो कर्स थे, श्रापित लोग थे। परमेश्वर ने कहा था 10 पीढ़ियों तक तो ये मेरी सभा में आने ही ना पाए, मेरे भवन के अंदर आने ही ना पाए। तो कर्स्ड लीनेज से वो आ रही थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी, चाहे उसको यहूदी धुतकार दें, चाहे उसको इजरायली अपनाए नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम था कि उसके बावजूद उसने यहूदी धर्म को ग्रहण किया था और वो परमेश्वर की सेवा करने इसराइल भी आ गई थी। यानी वो सारे ऐसे लोग जो कि बाइबल के अनुसार कर्स्ड भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं उससे। मती ने जाहिर कर दिया था रूत का नाम लिख करके कि चाहे वंशावली के अंदर कितना बड़ा श्राप हो, चाहे जनरेशनल कर्स चलता हुआ आ रहा हो, लेकिन जनरेशनल कर्स पाए हुए लोगों को भी बचाने के लिए मसीह जो है वो इस संसार के अंदर आ गया है। और यीशु मसीह की मुलाकात ऐसी ही एक स्त्री से अपनी सेवकाई के दौरान हुई थी। सुरुफिनी की जाति की एक स्त्री जो थी वो यीशु मसीह से मिली थी, जब वो अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु से निवेदन करती है, लेकिन यीशु एक रूड रिस्पॉन्स देता है, लेकिन तो भी रूड रिस्पॉन्स दुत्कारे जाने के बाद भी वो कहती है कि चाहे हम कुत्ते ही सही, लेकिन कुत्ते भी तो वो चूर चार खाते हैं जो मालिक की मेज पर से गिरता है। तो यीशु मसीह इसी कारण उससे कहता है कि तेरी बेटी जो है वो इसी क्षण ठीक हो चुकी है। तो ऐसे ही जो दुत्कार भी दिए जाते हैं उसके बावजूद वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए भी आया है। मती ने इस बात को जाहिर किया था। अब बतशेबा की जब बात आती है, बतशेबा के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उर्रिया की पत्नी थी। यानी बतशेबा के बारे में बात की जा रही है। अब बतशेबा जो थी वो यहूदी थी, बतशेबा जो थी वो सब कुछ जानती थी, बतशेबा जो थी वो धर्मी थी। और धर्मी कैसे थी, धर्म के काम कैसे करती थी, लिखा है कि वो नहा रही थी जब दाऊद ने उसको देखा। और वो क्यों नहा रही थी, क्योंकि ज्यूइश कमेंट्रीज बताती हैं कि वो अपने मासिक धर्म की साइकिल से फ्री हुई थी, इसलिए वो रिचुअल बाथ ले रही थी और उस समय ही दाऊद ने उसको देख लिया था। तो रिचुअल बाथ कौन लेडीज लिया करती थी, रिचुअल बाथ वो लेडीज मासिक धर्म के बाद, मैंसेस्ट्रल पीरियड्स के बाद वो लेडीज रिचुअल बाथ लेती थी जो कि मूसा की व्यवस्था का पालन किया करती थी कड़ाई के साथ। तो ये यहूदी थी, धर्मी स्त्री थी, मूसा की व्यवस्था का कड़ाई से पालन करती थी, इसको पता था कि मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है, उसके बावजूद इसने घोर पाप कर दिया था दाऊद के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर ये आ गई थी। तो जब बतशेबा का जिक्र मती ने यीशु की वंशावली में किया तो वो बता रहा था कि यीशु मसीह उन सारे लोगों के लिए आया है जो कि धर्मी है, जो कि परमेश्वर के वचन को जानते हैं, धर्म के काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जीवन में पाप पाया जाता है। उनको उनके पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह जो है वो आ गया है। और एक ऐसी ही स्त्री यीशु मसीह को अपनी सेवकाई के दौरान मिली थी जिसको यहूदी फरीसी वगैरह पकड़ करके लाए थे और कहा था कि ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है, व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है, यानी कि वो शादीशुदा स्त्री थी, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पकड़ी गई थी। व्यभिचार अडल्ट्री का मतलब होता है कि शादीशुदा स्त्री या शादीशुदा पुरुष शादी के बाहर व्यभिचार करे, किसी के साथ संबंध रखे, उसको व्यभिचार या अडल्ट्री बाइबल में कहा जाता है।
तो ये व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है, यानी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने वाली लेडी को यीशु मसीह के पास लेकर के आए थे कि इसको पत्थरों से मारा जाना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री को भी माफ कर दिया था और कहा था आगे से फिर कभी पाप मत करना। मत्ती ने जब यहां पर बतशेबा का जिक्र किया तो मत्ती इस बात को बता रहा था कि यीशु मसीह उन सारे ऐसे लोगों के लिए भी संसार में आया है जो सब कुछ जानते हुए भी पाप कर रहे हैं। यीशु मसीह उनको माफी देने के लिए, उनको भी उद्धार देने के लिए इस संसार के अंदर आया है। और उसके बाद जब मां मरियम का नाम यीशु की वंशावली के अंदर मत्ती ने लिखा तो मां मरियम जो थी वो एक धर्मी स्त्री थी, वो एक पवित्र स्त्री थी, प्रभु की बाट जोने वाली स्त्री थी। यानी कि मरियम का नाम जब लिखा गया वो इस बात का संकेत था मत्ती के द्वारा कि वो सारे धर्मी लोग जो उद्धार की बाट जो रहे हैं, जो परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रभु हमारे उद्धार के काम को करेगा, मसीह जो है वो उनको भी उद्धार देने के लिए संसार के अंदर आ चुका है। तो यीशु मसीह की वंशावली के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो बताई गई हैं, जिसके द्वारा हम मसीह के चरित्र को, जिसके द्वारा हम मसीह के व्यक्तित्व को और भी ज्यादा गहराई के साथ समझ जाते हैं। और इसलिए हम जान जाते हैं कि क्यों मत्ती के द्वारा स्टार्टिंग जो है वो यीशु मसीह की वंशावली के द्वारा की गई, क्यों लूका को आवश्यकता पड़ी जब वो अन्य जातियों को सुसमाचार बता रहा था कि वो यीशु मसीह की वंशावली को ट्रेस करता हुआ आदम तक लेकर के जाए, वो इस बात को जाहिर कर रहे थे। चाहे सुसमाचार भी ना पढ़ो लेकिन यीशु मसीह की वंशावली को ही यदि तुम पढ़ लोगे तो तुम समझ जाओगे कि उद्धार करता और कोई भी नहीं लेकिन यीशु ही है, और वो इस संसार में आ गया है। उसने अपने प्राणों का बलिदान दे करके, अपना लहू बहा करके इंसान का उद्धार कर दिया है, और अब वो राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आ रहा है। तो यीशु मसीह की वंशावलियां ही इस बात को साबित कर देती हैं कि यीशु मसीह ही जगत का वो उद्धार करता है जिसको परमेश्वर ने इस संसार में मानव जाति के लिए भेजा था। तो मैं मेरे संदेश को इस समय यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। आशा करता हूं मैंने बहुत सरल तरीके से आपको यीशु की वंशावली को समझाने का प्रयास किया है। मेरी आशा है कि आप इस वचन को गहराई से समझ जाएं, ताकि यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को जब आप किसी और को भी सुनाते हैं और यीशु मसीह की वंशावली के ऊपर यदि कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आपके पास उस सवाल का जवाब जो है वो होने पाएगा। तो इस समय मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप लोग यदि किसी भी प्रार्थना निवेदन को प्रभु के सामने लाना चाहते हैं तो आप उसको इस समय लेकर के आ सकते हैं। प्रार्थना के दौरान आप अपने निवेदनों को भी प्रभु के सामने रख दें और प्रभु उन बातों को जरूर से सुनेगा, उन प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ जरूर से देगा। प्रार्थना शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, और वो ये बोलना चाहता हूँ, हमारे पास कई सारे प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं जवान लड़कियों के, जवान मसीही लड़कियों के, जवान मसीही लड़के जो हैं उनके भी आ रहे हैं, और वो प्रार्थना निवेदन जो भेज रहे हैं, ऐसे प्रार्थना निवेदन आप हमारे ऑफिस में ना भेजें। कई सारे जवान लड़कियां बोल रही हैं मुझको उस लड़के से प्यार है और आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हम दोनों प्यार में बने रहें। एक बोल रहा है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं और वो मुझसे प्यार नहीं करती है, तो पास्टर साहब आप प्रार्थना कर दो कि वो भी मुझसे प्यार करने लगे। तो ये फालतू के और बेसिर पैर के प्रार्थना निवेदन आप हमारे ऑफिस में ना भेजें। आप किसी और को भेजते होंगे, वो एंटरटेन आपको करते होंगे, हम आपको इन विषयों के ऊपर बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको पवित्रता में जीवन जीना है, आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना है। आप कहां पर फंसते चले जा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, और आप किसको प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखें। तो चलिए हम मिलकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक अद्भुत काम आपके जीवन के अंदर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं उनके जीवनों के अंदर मैंने आपके वचन का बीज बो दिया है।
यीशु मसीह की वंशावली के अंदर जो भेद बताया गया है प्रभु, उसको आज हमने जान लिया है और इस बात को समझ लिया है कि वास्तव में यीशु एक मसीह के रूप में ही आया था और यीशु का जन्म एक कुंवारी स्त्री से ही हुआ था, क्योंकि उसका जन्म एक कुंवारी लड़की से होना कितना आवश्यक था, इस बात को हमने जान लिया है। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं आपके उन सब प्रिय लोगों के लिए जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अपने घरों में हैं, अलग अलग दूर दराज जगहों के ऊपर हैं, प्रभु उन सबको आपके समुख ले आता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इनके जीवन को जानते हैं, इनके दर्द को जानते हैं, इनकी तकलीफों को जानते हैं और प्रभु जी उनको दूर कर देने में भी आप सामर्थी हैं प्रभु। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं अपनी अद्भुत महिमा को आप इनके जीवन के अंदर प्रकट कर दें, अपने अद्भुत सामर्थ को दिखा दें और जो लोग बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं या लंबे समय से बीमार हैं, उन सबको यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिल जाने पाए प्रभु। अपनी कृपा को आप इनके जीवनों के ऊपर प्रकट कर दें, अपने सामर्थ को दिखाएं। एक व्यक्ति है जिसकी सीने की, छाती की जो हड्डियां हैं उनके अंदर बहुत दर्द होता है, यीशु मसीह का सामर्थ उसको इसी समय चंगा कर रहा है, वो भाई चंगा हो चुका है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप अपने लोगों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। एक बहन है, उसको स्किन डिजीज है उसकी उंगलियों के ऊपर, यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने प्रभु इस बहन की ओर अपनी दृष्टि को लगाया है। प्रभु जी वो सारे लोग जो अपने घरों के अंदर हैं और बीमार हैं, प्रभु उनकी, उनको इस बीमारी से आप यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्रदान करें, अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करें। रोहिणी नाम की एक बहन इस समय प्रार्थना में जुड़ी हुई है। रोहिणी को जो भी तकलीफ है वो इसी समय ठीक हो रही है। बहन रोहिणी, तेरे यूट्रस के अंदर जो प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई है उसको यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। प्रभु जी आप रोहिणी के ऊपर अपने अद्भुत सामर्थ को प्रकट कर दें प्रभु, और प्रभु जी इसका यूट्रस नया बन गया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सारे जवान जो इस समय जुड़े हुए हैं प्रार्थना के अंदर, उन सबको ब्लेस करें, उनके मनोरथों को पूरा करें और प्रभु जी इनको गलत मार्ग पर जाने से बचाएं। प्रभु जी इनको आप अपने मार्गों पर चलाएं। प्रभु जी आज के ये जवान कल के एलिया और एलिशा बनने पाएं। प्रभु जी आज के ये जवान कल के नायक बनने पाएं। प्रभु मैं इनको आपके हाथों में सौंप रहा, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपनी महिमा को प्रकट करें, अपने लोगों के फाइनेंस को ब्लेस करें प्रभु, इनको इतनी आशीषें मिलने पाए कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाने पाए। आपकी कृपा को आप इनके जीवन के ऊपर प्रकट कर दें प्रभु। मैं इनके घरों को, इनके जीवनों को ब्लेस करता हूं, इनकी नौकरियों को ब्लेस करता हूं, जो कुछ भी कमा करके लाते हैं उसके ऊपर आपकी आशीष होने पाए। जितने भी हार्ट पेशेंट हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई मिल जाने पाए। एक भाई है जो इस समय प्रार्थना में जुड़ा है, उसके तीन हार्ट के अंदर तीन ब्लॉकेजेस हैं, उसका इलाज भी चल रहा है। यीशु मसीह ने उसके दिल को पूरा नया बना दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप अपनी महिमा को अपने लोगों के जीवनों के ऊपर प्रकट कर रहे हैं। सुषमा नाम की एक बहन है, उसके सारे आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है और परमेश्वर उसका सहायक है। परमेश्वर कहता है कि सुषमा के सारे दुखों में से परमेश्वर उसको बाहर निकाल करके लेकर के आने वाला है। बहन सुषमा, स्वर्ग से तेरे लिए संदेश आया है कि तुझको अब और आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने तेरी फरियाद को अपने स्वर्गीय सिंहासन पर सुन लिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं,
आप प्रभु जी इनके जीवनों को जीवित गवाहियों से परिपूर्ण कर दें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। तो दोस्तों, आप भी यदि हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही ये बाइबल स्टडीज जो है वो ऑनलाइन होती हैं। तो सैटरडे और संडे को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बाइबल स्टडी लेता हूं। तो यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सचिन क्लाइव ऑफिशियल। आप उसको अंदर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं और हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो सैटरडे संडे इसको होती हैं आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ करके भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो वर्ल्ड बिब्लिकल न्यूज है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर निरंतर प्राप्त होती रहेगी। तो यदि आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उससे जुड़ सकते हैं।